सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर हम गिरते हैं तो अधिक अच्छी तरह चलने का रहस्य सीख जाते हैं। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में मालिक नहीं होते हैं वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। जिंदगी एक शिक्षक की तरह होती है जो समय समय पर सबकी परीक्षा लेती है। आज का पंचांग 20 मई 2024 दिन सोमवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि, दोपहर 3:59 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र सुबह 5:46 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:26 से 9:05 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर शाम 4:34 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। तुला राशि 20 मई 2024 दिन सोमवार, आपको अप्रत्याशित धन का स्रोत मिलने वाला है। इसका ध्यान रखते हुए आपको अपनी वित्तीय स्थिति को समझने और धन का प्रयोग समय पर करने की आवश्यकता है। गलत आदतों और जोखिम भरे व्यवहार से बचना आवश्यक है। धन का स्रोत समझदारी से करें और सोच समझ कर करें। आपके शिक्षक या पिता जैसा कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से गुजर रहे हैं, इसलिए उनके साथ रहना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्हें सहायता और समर्थन प्रदान करने में अपना योगदान देना आपके लिए सार्थक होगा। किसी रहस्य का भी पता चल सकता है, इसीलिए चाहे जो भी हो खुद को खुश और संतुष्ट रखें और सावधानी बरतें। आज के दिन नए निर्णय लेने के लिए वाकई बेहतर हो सकता है। इस समय में आप अपने जीवन में किसी नए मोड़ पर पहुंच सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में नए निर्णय ले सकते हैं। जल्दबाजी ना करें बल्कि ध्यान पूर्वक और विचार करके अपने विकल्पों को विचार करें। आप अपने आप को और अपने आसपास को बदलने की इच्छा महसूस कर रहे हैं, जो आपके लिए नए अनुभवों का द्वार खोल सकता है। आप बाहरी दुनिया से जुड़े हुए महसूस करेंगे और यह आपको नए दृष्टिकोण और संवेदनशीलता प्रदान कर सकते हैं। अगर आपको अपने आंतरिक अनुभवों में कुछ भी पसंद नहीं है तो यह समय है कि आप उन्हें बदलने का निर्णय लें। आपके आत्म समीक्षा और संवेदनशीलता आपको आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में भी आज मदद कर सकता है। आपकी भीतरी शक्ति आपको एक साथ कई स्तरों पर सोचने की क्षमता देगी। आप किसी भी मुश्किल की तह तक जा पाएंगे। अपने दोस्तों साथियों का भी पूरा आपको समर्थन मिलेगा। जहाँ तर्क शक्ति से बात न बने अपने मन की आवाज सुने। अपनी छिपी क्षमता को बाहर लाने का यह समय अच्छा है। विवादों से बचें और विवादों से बचें, विवाद में समस्या पैदा कर सकते हैं। आज के दिन आपके चेहरे पर मुस्कान बिखरी रहेगी और अजनबी भी जाने पहचाने से महसूस होंगे। अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरह से इस्तेमाल करें तो यह काफी फायदेमंद साबित होगी। आपकी पारिवारिक समस्याओं को काबू में रखने और उनकी न सुनने की प्रवृत्ति की वजह से बेवजह वाद विवाद हो सकता है और आपको आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है। आपका प्रिय दिन भर आपको याद करने में समय बिताएगा। जब आपको लगता है कि आपके पास घर वालों या अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं है तो आपका मन खराब हो सकता है। आज भी आपके मन स्थिति ऐसी ही रह सकती है। आपका अपने जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण संबंध रह सकते हैं। जहाँ तक संभव हो बात को बढ़ने ना दें, उसे आपके अंदर ही छिपी हुई है। आज बस आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। इस समय ग्रह स्थिति बेहतर होने की कोशिश कर रही है। आप अपने आत्मविश्वास महसूस करेंगे। दिन के शुरुआत में अपने महत्वपूर्ण काम की योजनाएं बना ली। संतान संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने से मन प्रसन्न भी रह सकता है। जरूरत से अधिक सोच विचार करना आपके लिए तकलीफ का कारण हो सकता है। अपने निर्णय को आगे बढ़ाने के लिए काम करने पर ध्यान देना होगा।
सेहत से जुड़ी बातें चिंता का कारण होगी और सेहत ठीक होने में काफी वक्त लगने वाला है, इसलिए सेहत में आ रहे बदलाव पर ध्यान देना होगा। काम का विस्तार करने से पहले सोच विचार करने की भी जरूरत है। सावधानियां, घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव की स्थिति भी आज रह सकती है, लेकिन जल्दी ही सब ठीक भी हो जाएगा। बाहरी व्यक्तियों के साथ ज्यादा मेल जोल ना रखें, ये समय अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान निकालने में व्यतीत करें। बात करते हैं लव लाइफ की। आपको अपने लव लाइफ के बारे में कुछ कठोर फैसले लेने पड़ सकते हैं, हालांकि आप दिल से ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन तब भी यह समय ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा है। इस बात का फैसला केवल आपके हाथ में है कि आप पिछली बातों से अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत होने देंगे या उसके कारण अपने आत्मविश्वास को कमजोर पड़ने देंगे। आप जिस तरह से अपने पिछले समय को समझेंगे उससे काफी हद तक आपका फैसला प्रभावित होगा। अपने प्यार के आज से आप रोमांस की गर्मी को भड़का सकते हैं, जिससे प्रेम भरी जिंदगी रंगीन हो जाएगी। खुद पर और अपनी मानसिक शक्तियों पर विश्वास रखें। आप जो चाहें वो पा सकेंगी। कोई दुख, अपमान या कोई बीमारी आपके रोजाना के काम में बाधा बन सकता है। आज अपनी लव स्टोरी के बारे में विचार करने और निर्णय लेने का समय आ गया है। पूरी दुनिया को भूलकर किसी खास के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के बारे में सोच सकते हैं। दूरियों को मिटाकर नए अध्याय की शुरुआत करें। याद रखें, आपके द्वारा की गई छोटी छोटी चीजें जीवन में नया खुमार भी ले आएगी। बात करते हैं करियर की। किसी करीबी से संबंध विच्छेद, अप्रिय बात या वाद विवाद इत्यादि से आप स्वयं को असहाय महसूस करते हैं। आत्मनिरीक्षण के लिए समय बेहतरीन है। दिल के सुने और समस्या का सामना करें। सफर में गड़बड़ी से बचने के लिए आज यात्रा स्थगित कर दें। नए प्रयासों से लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय बेहतरीन है। अपने कार्य के प्रति आज आपका दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा। अपने सहकर्मियों की तारीफ करें और अपने सीनियर से बातचीत बढ़ाएं, ताकि आपको नए मौके मिले और कार्य में भी आसानी हो। सपना देखें और पूरी शक्ति लगाकर उसे पूरा करें। जीत आपको ही मिलेगी। व्यवसाय की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि बनते कार्यों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। रुकावटों को पार करने के लिए तैयार रहना होगा। व्यवसाय में कर्मचारियों और माल की क्वालिटी पर नजर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जरा सी लापरवाही भी नुकसानदायक साबित हो सकती है, इसलिए आपको संवेदनशीलता और समर्थन का संकल्प बनाए रखना होगा। आय की स्थिति अच्छी रहेगी, जो आपके लिए अच्छा संकेत है। इस समय में आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में और भी मेहनत करने का मौका मिल सकता है। धैर्य बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में धैर्य और स्थिरता आपको सही दिशा में ले जाएगी। समय आपके प्रभाव को दिखाने का नहीं है, लेकिन अगर आप सही कदमों की दिशा में बढ़ते रहें तो नतीजे अवश्य होंगे। व्यक्तित्व में वृद्धि होने के संकेत है, जो आपके वर्चस्व को और भी मजबूत बना सकते हैं। दोपहर का समय पक्ष का रहेगा, जिससे आपके प्रयासों में अधिक सफलता मिल सकती है। आपकी योजनाएं सफल होने की संभावना है। कार्य की अधिकता के साथ शत्रु भी निष्क्रिय होंगे, जिससे आपको आपके लक्ष्यों की दिशा में बिना किसी अड़चन के बढ़ने में मदद मिलेगी। समक्षों से आगे निकलने का प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आपको सफलता मिल सकती है। इस समय आपके लिए नए अवसरों की दिशा में अच्छी तरह से जरूरत हो सकता है। बात करते हैं सेहत की। आपने अभी हाल फिलहाल ही अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन किए हैं और आज से उनका असर दिखाई देना भी शुरू हो जाएगा। आज आप शायद किसी प्रतियोगिता जीते या पहले से और अच्छा प्रदर्शन करें। उन बदलावों से आपकी त्वचा को विशेष लाभ होगा। आपकी फुंसियाँ ठीक हो जाएगी या आपकी त्वचा सुंदर तरीके से दिखेगी। आप स्वस्थ महसूस करेंगे और दिखेंगे भी। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर मिश्री चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।